सोलन में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। सर्दियां खत्म हो चली हैं और गर्मियां आरंभ हो चुकी हैं। सर्दियों में इस बार बेहद बारिशें हुई हैं, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं गर्मियों में पानी की कमी ना हो जाए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो उनका असर खेती पर पड़ेगा और जो उम्मीद वे इस बार फसल से लगाए हुए हैं उस पर पानी फिर जाएगा। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मौसम अभी तक बेहद बढ़िया रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा रहेगा इसको लेकर वे बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिन में बारिश होने से खेतों में भारी नमी थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ने के कारण ये चिंता सता रही है कि निकट भविष्य में पानी की कमी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसका गलत प्रभाव फसल पर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से गुजारिश की है कि वे पानी के लिए उचित प्रबंध करवाए और किसी भी तरह पानी की कमी ना आने दें। ये जो मौसम बदल रहा है ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले सर्दियों में अच्छी ठंड हुई, उसके बाद बारिश हुई, इससे हमारे फसलों के लिए बहुत फायदा है। अब टमाटर की फसल लगेगी, अगर इसी तरह मौसम रहा तो टमाटर की फसल भी बहुत अच्छा होगा और जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। हाँ, टमाटर की खेती बहुत होती है और हमारे गाँव में ज़्यादातर टमाटर ही लगते हैं। ज़्यादा फसलों में टमाटर वगैरह ज़्यादा लगाया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ रोजगार इस टमाटर की वजह से चलता है। और हम लोग यदि इस मौसम में, बदलते मौसम में टमाटर लगाते हैं तो हमारा रोजगार चलता है, जो कि हम यदि पानी की इस बार कमी ना रही तो हमारी फसल अच्छी होने की संभावना है। मैं सुमित, सोलन का रहने वाला हूँ, पटराड़ गाँव का। और जैसे कि आपको पता है आजकल मौसम चेंज हो चुका है और गर्मी आ चुकी है, उससे हमारी फसल में भी कुछ खराबी होने का अनुमान है। कि जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी है तो गर्मियों से हमें पानी की कमी होने वाली है अभी, तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे पानी की कमी ना हो और हमारे जो भी खेत में इस वक्त पानी की जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी हमारी सप्लाई पहुँचाई जाए। जैसे कि हमारे पास खेती होती है टमाटर मटर की, तो हमारा अच्छा सीज़न होता है टमाटर और मटर का हर साल, तो हम यही निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें इस बार पानी की कोई कमी ना हो और हम अपने टमाटर और मटर की सीज़न लगाने में सफल रहे।